अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फोटोशॉप से आप अपने किसी भी पिक्चर को रीटचिंग इफ़ेक्ट्स कैसे दे सकते हैं और स्मूथ स्किन वगैरह कैसे बना सकते हैं। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आती है। तो फोटोशॉप CS6 यूज़ कर लें या CC यूज़ कर लें, दोनों के लिए ये ट्यूटोरियल ठीक रहेगा और आसानी से आपको। फोटोशॉप पे चलते हैं। तो ये मैंने एक पिक्चर ली है, तो इसकी रीटचिंग वगैरह मैं करूँगा और आपको बताऊँगा कि कैसे इसको स्मूथ और इसका मेकअप सेटिंग करें। तो सबसे पहले तो स्पोर्ट्स वगैरह को स्पोर्ट्स हीलिंग ब्रश टूल को हम यूज़ करेंगे और ये स्पोर्ट्स वगैरह को हम ख़त्म कर देंगे। तो देखते हैं। तो अच्छी तरह से स्पॉट हीलिंग ब्रश को आपने यूज़ कर लेना और जितने भी स्पॉट्स वगैरह होंगे वो आपने ख़त्म कर देने इस टूल से। तो नेक्स्ट स्टेप आपको मैं बताता हूँ आपने क्या करना है। तो इस लॉक को आपने हटाना है, तो इसके ऊपर हम डबल क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे, ठीक है। अब इसकी डुप्लीकेट लेयर बनानी है, तो Ctrl+J, ठीक है। तो इसकी डुप्लीकेट लेयर बन जाएगी। उसके बाद Ctrl+8 बना है, ठीक है। तो आपके सामने ऐसा कुछ इंटरफेस आ जाएगा। तो ये दरअसल इन्वर्ट का टूल होता है। तो Ctrl+CTRL+I, ठीक है, ये इसकी शॉर्टकट की है। तो सिंपली इस पर क्लिक करना है और विविड लाइट को कर देना इसको। तो ये आपको अभी दिख नहीं रहा, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। अच्छा, तो इसके बाद आपने फिल्टर में जाना है, फिल्टर में जाके अदर्स पे जाना है, अदर्स में सॉरी हाई पास में चल जाना है। इस पर ऐसा करते हैं, तो मुझे ज़रा इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है। तो अपने मुताबिक यहाँ पे आपने सेटिंग कर लेनी है स्मूथ स्किन की। तो मैं और ज़्यादा, क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा ये आपको दिख रहे हैं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग कर लूँगा। तो उसके बाद अपने फिल्टर पे भी जाना है, ब्लर में जाना है और गेशन ब्लर में चल जाना है। ब्लर में जाके आपने इसकी सेटिंग वगैरह कर लेनी है। ये कम हो रहा है, यहाँ से ज़्यादा होगा थोड़ा, और ज़्यादा रखूँगा यहाँ पे, क्योंकि स्किन ज़्यादा ख़राब थी थोड़ी, तो मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है तो इसके बाद आपने यहाँ से न्यू लेयर मास्क बनाना है। तो अल्ट दबाना है, अल्ट दबाने के बाद इस पर क्लिक करना, तो न्यू लेयर मास्क बन जाएगा। तो अब आपके सामने पिक्चर भी ठीक हो गया। तो यहाँ से हम ब्रश टूल को यूज़ करेंगे और ये ऊपर वाला वाइट रहने देंगे। तो ओके, और इसको हम सेटिंग करके ये ख़त्म करने लग जाएंगे, ठीक है।
ब्रश वगैरह से, अपने ब्रश स्टूल से, ब्रश ब्रश टूल से जो भी आपने काम करना है, उसके बाद तो हम इसकी एडजस्टमेंट थोड़ी सी कर लेंगे, ब्राइटनेस पे चले जाएंगे। और अगर देखा जाए तो ये जो रेडिश स्किन है ये नेचुरली है इस पिक्चर की जो भी है स्किन, तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, तो क्योंकि वो पिक्चर अच्छी नहीं लगेगी, तो ये ऐसे ही ठीक लगेगा। ओके कर देना। तो उसके बाद हम एडजस्टमेंट में जाएंगे, कर्व्स में जाएंगे, और यहाँ से अपने मुताबिक आपने एडजस्ट कर लेनी है। जैसे आपके पीछे थोड़ा ज़्यादा रखूँगा, अब आपने इसके बाद इस पे चले जाना है पेन टूल। तो पेन टूल से आपने इसके लिप को सेलेक्ट करना है यहाँ पे, तो ऐसे सिलेक्ट करने के बाद आपने राइट क्लिक करना है, मेक सिलेक्शन कर लेनी है और रेडियस को 0 रहने देना है, ऐसे सिलेक्शन आ जाएगी। इमेज में जाना है, एडजस्टमेंट में, और यहाँ से हम चूज़ करेंगे, यहाँ से कलर बैलेंस चूज़ कर लेंगे। तो इसके देखें, यहाँ से कोई भी आप अपने मुताबिक कलर भी एडजस्ट कर लेते हैं, कर सकते हैं, पिंक हो गया, तो इससे मैं एडजस्ट कर इस पर करता हूँ जो कि ज़्यादा अच्छा बेहतर लगेगा, ये अच्छा लग रहा है। लाइट्स यहाँ कर लेते हैं, ये हो गए, इसको ओके कर लेते हैं। तो CTRL+D सिलेक्टिंग ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो अगर तो आपने इसमें थोड़ी सी ब्राइटनेस करनी है, तो फिर उसी तरह ही हम बैक पे अगर जाएंगे तो CTRL+Z दबा के इस पे अगर ब्राइटनेस ज़्यादा करनी है, एडजस्टमेंट ब्राइटनेस पे चले जाएंगे, थोड़ी सी ब्राइटनेस अगर हल्का सा ज़्यादा इसको कर दें 2 पे, तो ओके कर देंगे, और CTRL+D को दोबारा दबा देंगे। पिक्चर रेडी है। तो इस तरह मैंने काफ़ी पिक्चर्स बनाई हैं, उसके आगे आपको मैं सैम्पल भी दिखा दूंगा कि वो कैसे हैं। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर, अल्लाह।